एक सेकंड रुको, रखनी है पर्दा हटो। बाद में भी ले सकते ना थोड़े जनों को दिया छाटा मार लेता ये मार ले मार ली पूरा फलाह उल हुफ्फाज ट्रस्ट के ज़रिए इहतमाम मसाजिद के अइमा मौज़िनीन दीनी खिदमात पर मामूर हज़रात और हुफ्फाज़ इकराम को इफ्तार और सहर राशन बराए तोहफ़ा दिया जाता है रमज़ान मुबारक के ख़ुसूसी मौके पर। फलाह उल हुफ्फाज का ट्रस्ट 2014 में अमल में आया है इस दर्द के साथ कि इमाम मौज़िनीन की तनख्वाहें बहुत कम होती हैं और उनका गुजर बसर दवा बच्चों के तालीमी अखराजात घरों का किराया मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है और बाज़ दफ़ा तो अइमा और मौज़िनीन के घर में यह हाल हो जाता है कि रमज़ान में जो हदिया पेश किया जाता है उस वो हदिया घर में पहुंचने के बाद सहर और इफ्तार का माकूल इंतज़ाम होता है। तो हमने इस दर्द के तहत इसको शाबान की 28 तारीख को मुकम्मल महीने का एक फैमिली का राशन पैक दे देते हैं ताकि इफ्तार और सहर उनके घर में इत्मीनान के साथ हो सके, वो किसी की हाजत के रवादार ना रहे। लेकिन मुसलमानों की बहुत बड़ी बदबख्ती है और नाकदरी है कि इस तरफ वो तवज्जो नहीं देते हैं। मैं इस चैनल के ज़रिए मुसलमानों को एक फ़िक्र देना चाह रहा हूँ और हरगिज़ मैं चंदे की अपील नहीं करूँगा। वो फ़िक्र ये है कि आप गौर कीजिए कि अब महाना आप इंटरनेट का किराया देते हैं, महाना आप मोबाइल का किराया देते हैं, महाना आप स्टार कनेक्शन का किराया देते हैं। ये इस बात की गौर कीजिए कि अल्लाह ताला आपका कमाई का हिस्सा अपने घर के लिए क्यों नहीं ले रहा है। आपको ये तौफीक नहीं होती कि 300-400 रुपये महाना दिगर कामों में ख़र्चा कर देते हैं, आप 100 रुपये से ज़्यादा या उससे कम सिर्फ मस्जिद को देते हैं। तो आप मुसलमानों को ये बात सोचना चाहिए कि हमारा खून पसीने की कमाई अल्लाह की राह में कितनी खर्च हो रही है और अल्लाह ताला को अपनी कमाई का पहला हिस्सा खुश दिली के साथ देना चाहिए। स्टार का कनेक्शन के पैसे, नेट के कनेक्शन के पैसे, मोबाइल के कनेक्शन के पैसे बहुत उठा के रखते हैं लेकिन जब मस्जिद के चंदे की और अतीय की बात आती है तो उनके घर के ऊपर मौजन साहब 2-4 चकरे करने के बाद उनको पैसे मिलते हैं। तो मुसलमानों को इस बात पर फिक्र करना चाहिए और जो साहिब सरवत है, मालदार लोग हैं, वो अपने आजू बाजू के इमामों को मौजनों की खिदमत करें और उलमा की हिफाजत करें, उलमा की खदर करें। न सिर्फ पैसा देना ज़रूरी नहीं है, उनके साथ अच्छे अखलाक का बर्ताव करें और उनके माशी ज़िंदगी के हालात पर नज़र रखें। अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपकी भी ज़िंदगी में खुशहाली देगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।